मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल्टन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल्ट कैसे क्वेश्चन इनकम थ्योरेटिकल्ट के लिए इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम तो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा वो हमें एसरटेन करने से पहले ये समझ आना चाहिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा उससे पहले हमें यह समझ आना चाहिए कि नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या होता है कर सर ऐसा क्यों बाय डेफिनेशन वॉट इज डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कह रहे डोमेस्टिक इनकम क्या है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हुई अरे तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है वेरी इम्पोर्टेंट तो हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है फिर क्वेश्चन आता है कि नेशनल इनकम में इंक्लूडेड है कि नहीं है तो कह है फिर नेशनल इनकम क्या होता है नेशनल इनकम इज द इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री तो कौन होते हैं रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नॉर्मल रेजिडेंट्स के डेफिनेशन में क्या होता है एक एक करके बात करेंगे बट ये समझ आना चाहिए कि डोमेस्टिक टेरिट्री का कॉन्सेप्ट कहा यूज होता है डोमेस्टिक इनकम कैल्कुलेट नेशनल इनकम में भी क्योंकि नेशनल इनकम में क्या होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेट फैक्टर इनकम तो उसके दो कॉम्पोनेट होता है तो डोमेस्टिक इनकम इज इंक्लूडेड इन बोथ डोमेस्टिक इनकम ऑल्सो और नेशनल इनकम ऑल्सो बट पॉइंट इज डोमेस्टिक इनकम में क्या यूज होगा कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी और नेशनल इनकम में क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट नेशनल इनकम होती है डोमेस्टिक इनकम प्लस इनकम जनरेटेड फ्रॉम अब्रॉड तो क्या नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम इंक्लूडेड है यस यस नेशनल इनकम का पार्ट है डोमेस्टिक इनकम तो बट डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आपको क्या कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा डोमेस्टिक इनकम उसके बाद नेशनल इनकम कैलकुलेट होगी और नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्या है कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा नेशनल इनकम तो वो लिखेंगे कि, क्योंकि के लिए पहले आपको चाहिए, फिर उसके बाद आप एड करते हैं इनकम जनरेटेड फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो वो थियोरेटिकली वैसे बोल रहा है लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं कि डोमेस्टिक टेरिटरी आपको पहले क्या कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा डोमेस्टिक इनकम क्योंकि बाई डेफिनेशन वॉट इज डोमेस्टिक इनकम इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होता है ये डोमेस्टिक टेरिट्री डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो नॉन एज द इकोनॉमिक टेरिटरी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन लेमेन्टर्म डोमेस्टिक टेरिटरी मीन द पोलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री कह रहे जो भी इंडिया के मैप के अंदर आ रहा है जो भी इंडिया के मैप के अंदर आ रहा है वो डोमेस्टिक टेरिटरी है जो जो हमारे पॉलिटिकल हैं, तक हम गवर्न कर सकते वो तो है ही है हाउ एवर फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इट इज यूज इन वाइडर सेंस इन एडिशन टू दोलिटिकल फ्रंटियर्स जो जो हमारे मैप में आ गया जहां जहां हमारी पावर्स हैं गवर्न करने की वो तो है ही उसके अलावा इन एडिशन टू दैट शिप्स एंड एयरक्राफ्ट शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री बिटवीन टू और मोर कंट्रीज कह रहे मतलब करे जो पॉलिटिकल बैरियर में है वो तो आ गया अपार्ट फ्रॉम दैट शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड बाई इंडियन रेजिडेंट ओन एंड ऑपरेटेड बाई इंडियन बिटवीन टू कंट्रीज कह रहे बिटवीन टू कंट्रीज मतलब आपकी शिप है आप ओनर हो आप इंडियन हो तो शिप ओन्ड बाय एन इंडियन आप ही कंट्रोल कर रहे हो उसका पूरा बिजनेस मैनेज बाय एन इंडियन अब उस शिप से आप चले गए श्रीलंका वहां से कुछ इनकम जनरेट करके आए तो इनकम तो श्रीलंका में जनरेट हुई फेरी कर रहे थे लोग कुछ भी कर रहे थे चाहे आप सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे थे तो वो तो डिफरेंट कंट्री में जाके हुआ ना तो कह रहा है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक इनकम इट विल बी अज्यूम्ड वेदर एज एफ द इनकम वाज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी रूल बताया ना इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड शिप्स एंड एयरक्राफ्ट कंट्री इंडियन रेजिडेंट अगर ओन करते हैं तो वो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट वर्ल्ड में कहीं पर भी जाकर इनकम जनरेट करेंगे इनकम वॉज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी तो अगर एयर इंडिया है इंडियन कंपनी है वो किसी फॉरन कंट्री में जाके पैसेंजर्स को ड्रॉप कर रही है पिक कर रही है इनकम जनरेट हो रही है फॉरन कंट्री में इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ द इनकम वॉज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बिकॉज़ इट इज अ रूल ओन्ड वो तो ना, बिकॉज सर एज पर द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स शिप्स एंड एयरक्राफ्ट

ध्यान से सुनना शिप्स एंड एयरक्राफ्ट एक अलग पॉइंट हो गया कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा फिशिंग वेसल्स फिशिंग वेसल्स आपके वेसल्स होती हैं जो जाके फिशिंग कर सकते हैं इन इंटरनेशनल वाटर्स इंटरनेशनल वाटर्स मतलब जो इंडिया का टेरिटरी है इट इज अप टू अप टू टू नॉटिकल माइल्स अप टू टू इकोनॉमिक्स में ये माना जाता है अप टू टू हंड्रेड माइल्स इंडियन टेरिटरी मानी जाती है ये सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है टू हंड्रेड माइल्स नॉटिकल माइल्स क्या होते हैं डिस्टेंस मेजर्ड इन सी कह रहे अप टू हंड्रेड नॉटिकल माइल्स तो इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं वो तो इंडिया का पार्टी माना जाता है अप टू हंड्रेड नॉटिकल माइल्स उसके बाहर हो जाते हैं इंटरनेशनल वाटर्स आप वहां नहीं जा सकते अनलेस आपने राइट्स परचेज कर रखे हो तो अब फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश के आगे कुछ एरिया था जो इंडिया की टेरिटरी नहीं थी लेकिन उनके पास इक्विपमेंट नहीं है उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो वहां जाके फिशिंग करें या ऑयल एक्सप्लोरेशन करें तो उन्होंने वो राइट्स सेल कर दिए ऐसी कुछ कंट्रीज होती हैं कह रहे हमारे पास तो इक्विपमेंट नहीं है ये सब करने का आपने अगर हमारे एरिया में आके माइनिंग करनी है एक्सप्लोरेशन करनी है तो हम आपको राइट right सेल कर देंगे तो कह रहे कि अगर फिशिंग वेसल या ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स पूरा जो सेटअप होता है फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बाय इंडियंस ऑपरेटिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स वेर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट आप इंटरनेशनल वाटर्स में तभी कर सकते हैं ऑपरेट अगर आपके पास राइट्स हैं तो कह रहे हैं अगर वहां कहीं कुछ भी इनकम जनरेट हो गई इट विल बी ट्रीटेड एज इफ द इनकम वॉज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बात समझ आई तो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या होता है पोलिटिकल फ्रंटियर्स तो आ गए अपार्ट फ्रॉम दैट एरिया कमिंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स अपार्ट फ्रॉम दैट इट इंक्लूड्स शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओंड एंड ऑपरेटेड बाई इंडियन रेजिडेंट इट इंक्लूड्स फिशिंग वेसल्स ऑयल एंड नेचुरल गैस रिक्स फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म Owned by residents of a country, but operating in international waters where they have exclusive rights to do so. Very, very important. Embassies, embassies, consulates, military establishments, embassy, Indian embassy, Indian embassy, anywhere in the world will be considered as a part of domestic territory of India. Indian embassy. एनीवेर इन दर्ल्डर एज ऑफ डोमेस्टिक वो जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं तो उनको बोलते हैं कॉन्सुलेट्स क्या बोलते हैं उनको कॉन्सुलेट्स तो वो जो बिल्डिंग वो भी बाईन इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मान लिए जाएंगे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इंडिया का कहीं मिलिट्री कैंप लग गया फॉर एग्जाम्पल मालदीव में मिलिट्री कैंप था तो जहां पे कैंप है इट विल बी ट्रीटेड अ पार्ट ऑफ इंडिया फॉर द अकाउंटिंग फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग और कहीं कहीं पे लीगल एंगल भी आते हैं तो मतलब अगर दिल्ली में यूएस की एम्बेसी है यूएस एम्बेसी तो बाहर ना बोर्ड पे लिखा होता है कि बियॉन्ड दिस पॉइंट द एरिया कम्स अंडर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब वो एरिया वहां पे इंडियन रूल्स अप्लाई नहीं होंगे वो इंडिया की टेरिटरी नहीं मानी जाएगी वो किसकी मान ली जाएगी दिल्ली में न्यू दिल्ली में बट वो जो यूएस एम्बेसी का ऑफिस है दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी लाइकवाइज़ इंडियन एम्बे एनी वेयर इन वर्ल्ड इंडिया के एम्बे फ्रांस में या जर्मनी में या यूएस में वो अगर यूएस में एक, एक, एक लेते हैं यूएस में है इंडियन वो यूएस का पार्ट नहीं मानी जाएगी जो एम्बेसी का ऑफिस है वो किसका पार्ट माना जाएगा इंडिया का तो एम्बेसी ऑफ अ कंट्री एनी वेयर इन वर्ल्ड तो जिस कंट्री की एम्बेसी है वो उस कंट्री का पार्ट मान लिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग फॉर द कांसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी वो तो अलग चीज है वो तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस है वो तो रेजिडेंट्स है मुझे तो पता ही नहीं नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं तो आएगा दो कॉन्सेप्ट्स हैं डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट्स जहां हमने मिक्स करे वहां गलत आंसर व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक टेरिटरी इंसानों से तो कोई लेना देना ही नहीं है प्लेस प्लेस क्लियर तो कॉन्सुलेट्स बिल्डिंग है एम्बेसडर्स इंसान है तो इंसानों पे भी फोकस मत करना इंसानों पे फोकस करेंगे जब हम नॉर्मल रेजिडेंट के डेफिनेशन पढ़ रहे होंगे बी वेरी वेरी केयरफुल सेग्रीगेशन आनी चाहिए टेरिटरी की बात हो रही है अभी एरिया की बात हो रही है अभी इंसानों पे फोकस करोगे गलत आंसर दे दोगे तो हमें सेग्रीगेट करना है इंसानों पे रेजिडेंशियल स्टेटस पे फोकस कब किया जाएगा जब नॉर्मल रेजिडेंट की बात हो रही है कि वो रेजिडेंट नॉर्मल है कि नहीं नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट है जब डोमेस्टिक टेरिटरी है तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है तो प्लेस टेरिटरी की बात हो रही है तो टेरिटरी में क्या आएगा पॉलिटिकल बैरियर्स के अंदर जो आ रहा है Ships and aircraft owned and operated by Indian residents, fishing vessels, oil and natural gas rigs, floating platforms owned by residents of a country operating in international waters where they have exclusive rights to do so. Third, embassy, consulate, military establishments of a country anywhere in the world will be considered as a part of domestic territory. Indian embassy, Indian consulate, Indian military establishment anywhere in the world will be considered as a part of domestic territory of India. <makes> अब सर ये कोई बिजनेस थोड़ी ना है ये कोई कंपनी थोड़ी ना है मिलिट्री establishment में इनकम जनरेशन कैसे होगी जो सोल्जर्स हैं जो ऑफिसर्स हैं क्या उनको सैलरी नहीं मिल रही तो वो कहां पे काम कर रहे हैं अगर मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल हमारा कैंप लगा हुआ है सऊदी में तो इनकम कहा जनरेट हुई सऊदी सऊदी में है, इंडिया में में इंडिया यस और नो लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी फॉर द ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया एनी वेयर इन वर्ल्ड विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी समझ आ गया लॉजिक ट ऑफिस बिल्डिंग है जहां पे हमारे ऑफिसर्स यहां पे एम्बेसडर्स रहेंगे दिख रहे पोलिटिकल बैरियर पोलिटिकल फ्रंटियर्स के अंडर बट फिर भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माने जाएंगे फॉर एग्जाम्पल अभी बताया यूएस एम्बेसी इन इंडिया

तो यहां पे अगर एम्बेसी ट्रांसनिया के भी है ना तो वो भी इंडिया का पार्ट ऐसे नहीं होता कि नहीं नहीं इनके तो हम मान लेंगे नो no, जिस कंट्री की है उस कंट्री का पार्ट मानी जाएगी क्लियर क्लियर और दूसरा पॉइंट कि और क्या एक्सेप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल कंपनीज नहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ डब्ल्यू आई एम एफ इंडियन लेब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसकी तो एंडलेस लिस्ट पॉइंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फॉर वेलफेयर और प्रमोशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स पीस हारमनी ये कंपनीज नहीं है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं तो अगर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है इंडिया में वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा जहां पे उनके हेडक्वार्टर्स हैं वो वहां का पार्ट मान लिया जाएगा आईएमएफ वर्ल्ड बैंक तो ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेज ये कोई कंपनीज नहीं है ये सब क्या है इंटरनेशनल क्या इसमें आएगा यस और नो एच एस बी सी हांगकॉग शाई बैंकिंग कॉरपोरेशन बहुत ही बड़ा बैंक है एच डी एफ सी से भी बड़ा एच एस बी सी हांगकॉन्ग एच एस बी सी बैंक बैंक है क्वेश्चन है क्या वो इस सेकेंड पॉइंट के अंडर आएगा कि नहीं आएगा यस नो नो आइडिया नो या नो no आइडिया नहीं आएगा पूछ रहे हो या बता रहे हो क्यों नहीं आएगा नहीं तो वर्ल्ड बैंक कहाँ घर हांगकांग एच एस की ब्रांच है अगर जीके में तो वो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है एच एस बी सी हांगकॉन्ग बैंकिंग कॉरपोरेशन एक इंटरनेशनल बैंक है इंटरनेशनल बैंक है उसकी ब्रांच है जीके में अगर थी अब है कि नहीं है पता नहीं अगर ब्रांच है तो मेरा क्वेश्चन है क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा अब तो साथ तो दो पॉइंट करो कि डोमेस्टिक टेरिटरी डॉट इंक्लूड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अब दो क्वेश्चन दूसरा कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये वाली जो है वो एच एस बी सी उस कैटेगरी में आता है कि नहीं अंदर तो पहला सवाल क्या ब्रांच ऑफ एच एस बी सी इन डेली वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा यस नो नो आइडिया नो आइडिया नो नो आइडिया बोला नो आइडिया तो मैं कैसे आंसर दे दू नो 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 आइडिया नहीं नहीं एच एच बी सी एच एच बी सी आएगी हो सकता है हो सकता है, नॉट श्योर माना जाएगा no नो आइडिया no? अरे रुको ना, एक साथ हो क्या नहीं आएगा किसके लिए नो है कि वो एच की जो ब्रांच है दिल्ली में वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा कि नहीं आएगा श्योर आएगा श्योर आप भी श्योर आप भी श्योर आंसर अलग अलग नॉट श्योर आएगा कोई ऐसा बच्चा जिससे आंसर नहीं पूछा मैंने आपने क्या बोला श्योर ऐसे शक्ल होती है शोर जब होते हैं बैंक या भी तो फिर आएगा की ब्रांच एक मिनट बेटा गुड आंसर सही बोल रहे हो आप अच्छी बात है डिफेंड भी कर पा रहे हो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा क्योंकि वो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है एक्सेप्शन जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक वर्ल्ड बैंक वो एक कंपनी है वो कमर्शियल एम क्या वो एम्बेसी है क्या वो एम्बेसी है क्या वो कॉन्सुलेट है क्या वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है क्या वो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल नो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में क्या आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन विच आर ऑपरेटिंग फॉर वेलफेयर प्रमोशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स पीस हारमनी वर्ल्ड वाइड फंड प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स ये सब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वो तो एम होती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज कंपनीशन वो एक्सेप्शन में नहीं आती तो उनकी ब्रांच अगर है ना तो लेकिन सर वो तो एक फॉरन कंपनी है यही तो मैंने बोला वो फॉरन कंपनी है लेकिन लोकेटेड का है अगर उसकी ब्रांच डेली में है ना फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक इनकम वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मान ली जाएगी बट सर वो तो इंडियन कंपनी नहीं है अब इंडियन नॉन इंडियन वो तो रेजिडेंशियल है ना वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक इनकम जरूरी नहीं है कि कौन जनरेट करेगा वो इंडियन रेजिडेंट्स भी हो सकते हैं वो नॉन रेजिडेंट्स भी हो सकते हैं तो ध्यान से देखना कंक्लूड करूंगा ध्यान से देखेंगे लूंगा डाउट्स पहले सुनेंगे वाइल एस्टिमेटिंग

Is generated will be taken into consideration. If generated within the domestic territory, included in domestic income. If generated आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरेटरी नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम हू जनरेटेड हू जनरेटेड द इनकम इज इन मेटेरियल While estimating domestic income, it may have been it may have been generated by residents or non-residents. जनरेटेड द इनकम इज इन मेटीरियल डोमेस्टिक इनकम तो डोमेस्टिक सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक इनकम इज जनरेटेडिकोमेस्टिक इनकम तो वेर हमारा फोकस क्या होना चाहिए वेर द इनकम वॉज जनरेटेड तो वेर का आंसर देता है डोमेस्टिक टेरेटरी की डेफिनेशन की डोमेस्टिक टेरेटरी में क्या क्या आएगा एरिया कवर्ड तो by the political frontiers ships and aircraft owned and operated by indian residents fishing vessels oil and natural gas rigs floating platforms embassies consulates military establishments of a country anywhere in the world ye sab aayega kya nahi aayega exception use kehte hain ki mujhe physically dikh raha hai india ke andar अंदर हिंदी वाला अंदर कि इंडिया के अंदर दिख रहा है बट फिर भी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा वो एक्सेप्शन क्या है नंबर वन एम्बे कॉन्सुलेट्स मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरन कंट्रीज वो दिख रही है मुझे इंडिया के अंदर फिर भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाएंगी एंड सेकेंड वन इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक जो प्रोमोटिंग फॉर वेलफेयर ऑपरेटिंग फॉर वेलफेयर नॉट फॉर प्रॉफिट दीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे आर नॉट एमएनसी तो नॉट एमएनसी का मतलब समझ आ रहा है ना कि एमएनसीज बिल्कुल अलग है वो इस एक्सेप्शन में नहीं आ रही तो मैकडोनल्ड है इज इट एन इंडियन कंपनी और मैकडोनल की ब्रांच है में, फरीदाबाद में विल इट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ब्रांच ऑफ मैकडोनल्ड इन फरीदाबाद विलिट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया हो सकता है चलो गुड आई एम हैप्पी कि ज्यादा सही आंसर आ रहे हैं आंसर इज यस व्हाई अब ध्यान से देखना बड़ा सिंपल सा है क्राइटेरिया आपको फिजिकली इंडिया में दिख रहा है आपको फिजिकली इंडिया में दिख रहा है तो अगर कोई चीज फिजिकली इंडिया में दिख रही है तो उसके इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में ना होने के सिर्फ दो रीजन हो सकते हैं एक कि क्या वो एम्बेसी कॉन्सुलेट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है नहीं है तो क्या वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज ऑपरेटिंग फॉर वेलफेयर और प्रमोशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स और पीस इन दोनों क्राइटेरिया में नहीं आ रहा तो फिर वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मान ली जाएगी ओके okay? चलो चेक करते हैं आपको समझ आया कि नहीं आया